नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी सरकार। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में अब सरकार ने भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सख्ती दिखाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत आने वाले दिनों में तमाम विभागों में सभी स्तर के भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तय नियमों के अंतर्गत ऐसे पर ट्रैप के अलावा डीए यानी कि आय से अधिक संपत्ति केस के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को तेजी से करने के लिए राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को विशेष निर्देश देते हुए उन्हें ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि ऐसी कार्रवाई के लिए 3 एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन यानी कि 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। वहीं हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों के हित के लिए वाम दल ने निकाला मोर्चा। किसान कानून को वापस लेने के लिए किसान लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद किसानों की मांग को अनसुना किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है, मगर अब तक किसानों को किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं मिली है। वहीं इसी बीच अब किसानों के पक्ष में वाम दलों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ वामपंथी दल सीपीआई और सीपीआई माले के आह्वान पर बीते दिन पटना समेत राज्यभर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के बाहर वामपंथी दलों के राज्य स्तरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के अलावा रंगकर्मी और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। 4 दिवसीय अध्यक्ष मंडली ने सभा का संचालन किया। अध्यक्ष मंडली में सीपीआईएम के अरुण कुमार मिश्र, सीपीआई के जानकी पासवान, माले के राजाराम एवं राजद के आलोक मेहता शामिल थे। एलपीजी सिलेंडर हुआ पटना में 50 रूपये महंगा। राजधानी वासियों को अब महंगाई की मार का और ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब गैस सिलेंडर के लिए उन्हें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। इसी बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई जगहों पर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईओसी के मुख्य प्रबंधक बिहार झारखंड बीना कुमारी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रूपये बढ़ गई है, जिसके बाद पटना में एलपीजी सिलेंडर जो कि 14.20 किलो की है, उसकी कीमत अब 742.50 रूपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 692.50 रूपये थी। वहीं 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए पटना में 1426 रूपये देने होंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए बिहार के लोगों से चंदा इकट्ठा करने का काम जल्द शुरू करेगी भाजपा। दशकों बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। वहीं अब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब भाजपा भी राम मंदिर के भव्य निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है, और यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा बिहार के लोगों से चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू करने वाली है। अयोध्या में बन रहे विशाल राम मंदिर के लिए भाजपा बिहार में धन संग्रह करेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही भाजपा बिहार में लोगों से पैसे इकट्ठा कर ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसका निर्णय बीते दिन आयोजित करवाए गए बैठक में लिया गया है। आयोजित बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर का एजेंडा पार्टी के घोषणा पत्र में रहा है। अब चूंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ऐसे में पार्टी की ओर से भी निर्माण में सहयोग किया जाए, जिसके बाद पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता राम मंदिर निर्माण में अपनी ओर से राशि देकर सहयोग करेंगे। अशोक चौधरी ने प्राइवेट स्कूल के शुल्क को लेकर नियमावली बनाने की कही बात। नई सरकार के गठन के साथ एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक चौधरी ने अपना फैसला जारी किया है, जहां उन्होंने प्राइवेट स्कूल के शुल्क को लेकर नियमावली बनाने की बात भी कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कामकाज जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में कुल बजट का 6% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। बजट प्रबंधन को दुरुस्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर कार्य योजना तैयार करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के आलोक में नियमावली का गठन करेगी, साथ ही उसके प्रचार प्रसार का काम करेगी।
संबंध में सभी अधिकारियों को जरूरी जानकारी मुहैया करवा दी गई है। ओवरलोडिंग के खिलाफ बिहार में दिखाई जा रही है सख्ती। बिहार के कानून व्यवस्था पर सख्ती के बीच अब परिवहन विभाग की तरफ से शुरू ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान का लाभ दिखने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब ऐसी गाड़ियों पर नकेल तो कसी जा रही है, साथ ही उनसे जुर्माना के रूप में करोड़ों की वसूली भी हो रही है। बीते 3 दिनों में ही बिहार ने 2 करोड़ से अधिक की आमदनी जुर्माने के रूप में वसूल ली गई है। बीते दिन भी परिवहन विभाग की तरफ से 2 करोड़ से अधिक की आमदनी जुर्माने के रूप में ली गई है, जिसके तहत सभी जिलों में 3 दिनों में 514 व्यवसायिक वाहनों को ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए 2.5 करोड़ रूपए की वसूली की गई है। परिवहन सचिव की माने तो ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। लालू यादव की फोन रिकॉर्डिंग के लिए भेजी गई FSL की टीम। कुछ दिन पहले ही लालू यादव का एक ऑडियो भाजपा की तरफ से शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता ललन पासवान से विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित रहने की बात कही थी, जिसके बाद यह पूरा मामला मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था। वहीं लालू यादव के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया था, जिसकी जांच के लिए अब FSL की टीम को भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के फोन रिकॉर्डिंग के ऑडियो की जांच हैदराबाद स्थित FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब में होगी। उनके आवास की जांच के लिए इस ऑडियो क्लिप को वहां भेज दिया गया है। आपको बता दें, FSL की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निगरानी ब्यूरो इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई करेगा। अगर रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आवाज लालू यादव की है, तो इस मामले में आगे की जांच के लिए लालू प्रसाद के आवाज का नमूना भी निगरानी ले सकता है। किसानों के जारी विरोध पर सुशील मोदी ने दिया बयान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजधानी दिल्ली में किसानों के विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में राजनीति कर रही पार्टियों को लेकर भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दिल्ली के ताजा किसान आंदोलन में जिस तरह से नारे लगे और जिस तरह से इसे शाहीनबाग मॉडल पर चलाया जा रहा है, उससे साफ है कि किसानों के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग और CAA विरोधी ताकतों ने हाईजैक करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के 90% किसानों को भरोसा है कि जिस प्रधानमंत्री ने उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड और नीम लेपित यूरिया से लेकर किसान सम्मान योजना तक के लाभ दिए हैं, वे कभी किसानों को आहत नहीं करेंगे। विपक्ष का असत्य पराजित होगा। अंचल कार्यालयों में 3 साल से जमे कार्यपालक सहायक के ट्रांसफर का जारी किया गया आदेश। बिहार सरकार ने सूबे के सभी DM को अंचल कार्यालय में कार्यरत सहायक के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी स्माहर्ता को 3 वर्ष या इससे अधिक समय से पदस्थापित अंचलों में पदस्थापित कार्यपालक सहायक को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर नियोजित कार्यपालक सहायक का पदस्थापना विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में किया जा रहा है। कार्यपालक सहायकों का एक ही अंचल में लंबे समय से जमे रहने के कारण राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता नहीं है एवं उनके कार्यकलापों के संबंध में काफी शिकायत मिल रही है। तबलीगी जमात के 17 विदेशियों ने किया कुबूलनामा। फुलवारे पुलिस ने 13 अप्रैल 2020 को अलबा कॉलोनी से 7 विदेशी और दीघा पुलिस ने 10 तबलीगी जमात को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। वीजा कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों ने अपना अपना दोष कोर्ट के समक्ष स्वीकार कर लिया है। इसके बाद विशेष कोर्ट ने दिनभर कोर्ट में खड़े रहने और फिर प्रत्येक दोषी को 2,500 जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट के ACJM माधवी सिंह ने यह फैसला सुनाया है। इसके बाद बीते दिन सभी आरोपित कोर्ट में रहे और जुर्माने की राशि भी जमा की। आपको बता दें, इन्हें कोरोना संक्रमण के दौरान वीजा नियमों का उल्लंघन और भ्रमण करने से खतरा और टूरिस्ट वीजा पर भारत में प्रवेश कर धर्म प्रचार करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। किसान बिल को लेकर मनोज तिवारी ने दी चुनौती। किसान बिल को लेकर विरोध पूरे देश में कई हिस्सों में जारी है, जहां एक तरफ किसान अपनी मांग पर अड़े हुए, वहीं दूसरी तरफ किसानों को समझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, मगर सभी किसान अपनी जिद में ही नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अब भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कैमूर जिले के दौरे के दौरान खुले चुनौती दी है, जिसके तहत जारी विरोध के बीच उन्होंने कहा है कि अगर किसान बिल के कारण आने वाले 2 सालों में किसानों के घरों में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मनोज तिवारी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार ने कृषि बिल लाकर ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें किसान के अनाज को उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने आगे यह भी कहा कि सबको पता है कि इतना दिन तक MSP तय होने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि बिचौलिए ज्यादा हावी थे। विधानसभा में मिली हार के बाद लोजपा नेताओं ने चिराग पासवान को दी सलाह। विधानसभा चुनाव में लोजपा को मिली करारी हार के बाद अब मंथन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, पार्टी अब नए रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में दिख रही है। इसी क्रम में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बीते दिन अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की थी, जहां सभी नेताओं ने लोजपा सुप्रीमो को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुप्रीमो चिराग पासवान को आईना
दिखा दिया है। पार्टी नेताओं ने मीटिंग में अपने सुप्रीमो को सलाह दिया है कि बिहार की राजनीति करनी है तो बिहार में समय देना होगा। आपको बता दें, जिस तरह से बिहार में लोजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय लोजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। हार्दिक पांड्या को लेकर मांजरेकर ने बदला अपना बयान। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली थी, जिसके बाद संजय मांजरेकर ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तारीफ की है। खासकर कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेकर अहम बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा उलझन में था जब उन्हें आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर टीम में चुना गया था। मुझे लगा था कि वो अच्छे टी20 बल्लेबाज है, लेकिन 50 ओवर का मैच अलग होता है। क्या हार्दिक पांड्या 50 ओवर के मैच में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते हैं? और उन्होंने साबित कर दिया कि वो कर सकते हैं। भारत को अब नंबर 6 पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मिल गया है, क्या पता आगे उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा जाए। आपको बता दें, बीते दिन खेले गए मैच में हार्दिक पांड्या ने 92 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों के विरोध का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।